टी20 वर्ल्ड कप 2021 का आगाज हो गया है। पहला मुकाबला ओमान और पपुआ न्यू गिनी के बीच खेला गया, जहां मेजबान ओमान ने 10 विकेट्स की धमाकेदार जीत हासिल की। ओमान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी, फैसला एकदम सही साबित हुआ। ओमान के गेंदबाजों ने 0 के स्कोर पर ही पपुआ न्यू गिनी के 2 विकेट्स गिरा दिए, लेकिन इसके बाद पपुआ न्यू गिनी के कप्तान असद बला और चार्ल्स अमीनी के बीच 81 रन की साझेदारी हुई। कप्तान असद ने 43 गेंदों में 56 रन की पारी खेली, 4 चौके और 3 छक्के लगाए। पपुआ न्यू गिनी ने 20 ओवर्स में 129 रन बनाए। ओमान के कप्तान जीशान मकसूद ने 20 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। कलीमुल्ला और बिलाल खान ने 2-2 विकेट झटके। जवाब में ओमान ने 14वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम के सलामी बल्लेबाज आकिब इलियास ने 43 गेंदों में 50 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि जतिंदर सिंह ने 42 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 73 रन बनाए और टीम को 10 विकेट से जीत दिला दी। 20 रन देकर 4 विकेट लेने वाले जीशान मकसूद को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। बता दें कि इस मुकाबले से पहले टी20 विश्व कप में सिर्फ 2 बार ही किसी टीम ने 10 विकेट से जीत हासिल की थी। 20 सितंबर 2007 को हुए टी20 विश्व कप मैच में श्रीलंकाई टीम 101 रन पर ऑल आउट हो गई थी। स्टुअर्ट क्लर्क ने 20 रन देकर 4 विकेट झटके। जवाब में मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट ने 102 रन की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेट से जीत दिला दी। हेडन ने नाबाद 58 रन की पारी खेली थी। इसके बाद टी20 विश्व कप में दूसरी 10 विकेट की जीत ठीक 5 साल बाद 20 सितंबर 2012 में आई, जब साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से रोना। 2012 टी20 विश्व कप के ग्रुप सी का मुकाबला, जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 93 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका ने बिना विकेट गवाए आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लिया। रिचर्ड लेवी ने नाबाद 50 रन की पारी खेली, जबकि हाशिम अमला ने नाबाद 32 रन बनाए थे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है अविनाश ने, कैमरे के पीछे है दीपक, मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।